यहाँ पे मम्मी ने बनाए थे आलू के पापड़, और बहुत सारे आलू के पापड़ बनाए थे। और 2-3 दिन बाद फिर बनाएंगी, क्योंकि अभी घर में प्रोग्राम है तो इस वजह से कुछ नहीं काम होगा। और मैं सुबह सुबह इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वॉइस मतलब थोड़ी अच्छी नहीं आएगी। तो ये था आलू का बॉईल करके पापड़ बनाया गया था। इसमें बहुत सारी हरी धनिया और मिर्च वगैरह सब कुछ पड़ा था, मसाला पड़ा था। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही पापड़ लगता है, और खाने में स्वाद लगता है। और भी आलू के बनते हैं चिप्स के, और उसके सूजी के, साबूदाना के, चावल पका के, तो मुझे यही वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और चिप्स भी बनी हुई है, और मतलब आलू काटा हुआ था। 2 पापड़ भी बनाए हैं, और फिर 3-4 दिन बाद फिर बनेगा पापड़। तो मुझे तो इंतज़ार है, फ़िलहाल मुझे अभी खाने को नहीं मिलेगा, तो कुछ दिन बाद मैं खाऊंगी पापड़ ढेर सारे। तो ये सारे 2 ही दिन में, मतलब आज दूसरा दिन था पापड़ का, तो बहुत तेज़ धूप हो रही है, और दूसरे दिन सूख गया था सारा पापड़। और सभी लोग, मतलब जितने भी लोग थे, हम, प्रिया, पिंकी, 3 लोग, मैंने कहा मैं भी करवा लेती हूँ आज। तो मैं ऐसे ही पलट रही थी, क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करना था। तो अगर मैं इन लोग को मोबाइल दे देती तो मतलब अच्छे से कर लेते, लेकिन मैं इन लोग को जल्दी से मतलब मोबाइल शूट करने के लिए नहीं देती हूँ। और कभी कभी ना मतलब अच्छे से शूट नहीं हो पाता, इसीलिए मैं नहीं देती हूँ। तो ये रहे इतने सारे पापड़, ये इतना बना हुआ था पापड़, और सूखे अभी और थोड़ा हो जाएगा। और इस साइड था मतलब ये आधा कलर पापड़ था चिप्स, और आधा वैसा था। तो 2 तरह का पापड़ बना हुआ था, ये भी इतना था और वो उतना था। तो वही इतने सारे पापड़ थे। तो होली आ रही है, तो होली में तो जानते हैं बिना पापड़ के होली नहीं, बिना गुजिया के होली नहीं। तो ये था। और ये सरसों आ गई थी खेत से, तो उसी को सब सुखा रहे थे, और 2 दिन सुखाया था तो अच्छे से सूखा नहीं था। यहाँ पे ये सरसों लाकर मतलब सुखाया गया था 2-3, मतलब इसको पीटा उठा गया था खेत की सरसों। ये पीली वाली है, अभी ब्लैक वाली है, तो दो मतलब कुछ दिन और टाइम है उसको पकने में, तो उसको बाद में काट के उसको भी सुखाएंगे। तो इसको सुखा के रख देंगे बोरी में, ताकि तेल वेल मतलब थोड़े दिन बाद इसको वो करेंगे, पिरवाना पड़ेगा ले जाके। तो अच्छा लग रहा था, मतलब खेत की जो चीज़ें होती हैं ना, उसको खाने में सब करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये रही काली मिर्च जो मैंने कल दिखाया था, और यहाँ पे फैली हुई है सरसों खेत की, और वो रहा चिप्स, और वो रही पापड़ आलू का पिसा हुआ। और यहाँ पे फैले हुए हैं मम्मी के बनाए हुए उपकंडे, यहाँ से वहाँ तक इसको रखना है, धूप लग जाए तब रखा जाएगा।
है पूरा रूम सेट, लग रहा है पूरा कबाड़ा घर में फैला हुआ है। ये सोफ़ा इधर रखा हुआ था जो कि आ गया है उधर, और ये वाला रखा जाएगा इस साइड, और वहाँ पे रखा हुआ था जिधर सोफ़ा रखा हुआ है वहाँ पे रखा हुआ था वो तख्त, तो वो तख्त वहाँ से उठ के वहाँ चली गई है। और बाकी सारा सामान सही करना है, पूरा इधर उधर परिवर्तन हो गया घर। और यहाँ पे रखा हुआ था तख्त, तो वो तख्त आ गया वहाँ पे, और वो छोटे तख्त पे रखा हुआ था, छोटी तख्त ये वाले पे रखा हुआ था गैस सिलेंडर, यहाँ पे मीट वगैरह मछली वगैरह बनता है, तो इसको हमने इस पे एडजस्ट कर दिया है। और वहाँ पे मशीन चली गई, मशीन चली जाएगी पीछे वाले रूम में, और कूलर भी चला जाएगा पीछे। तो सब क्लीन करना है, पूरा सामान देखिए पूरा घर फैला हुआ है मेरा, इधर से उधर इधर से उधर, तो मुझे कुछ करना नहीं है इसलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ सही से। तो जैसे भी हो रहा है काम हो रहा है, हो जाए बस